झारखंड 60-40 न चलतो तो फिर आखिर चलेगा क्या। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, चलिए उनसे जानती हूँ क्या कहना है। साफ तौर पे सीधा तौर पे कहना है कि जिस सरकार को हमने वोट दिया है ठीक उसी प्रकार ने हमारे चोट ले रही है। जिस सरकार को हमने चुना है उस सरकार ने हमको कूट रहा है, छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को दिशाहीन करने का काम कर रही है, बदसलूमी किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ जो सड़ी गली नियोजन नीति के खिलाफ हम लोग इस 60-40 नियोजन नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस नियोजन नीति से हम लोग खुश नहीं है, नाखुश है। पूरा झारखंड के आगे माटी पुत्र पुत्रिया हम लोग साफ तौर पर चाहते हैं कि इस नियोजन नीति को स्थगित करके नया नियोजन नीति बनाए जो यहाँ के माटी पुत्रों के लिए हितैषी हो हमेशा के लिए। जो हर राज्य में जिस प्रकार के कुछ दिन पहले देखे होंगे बिहार राज्य में वहाँ के 1930 चला आया है, 1910 का रेतियों चलाया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के भूमि पुत्रों के लिए, यहाँ के खतियानी पुत्रों के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को नियोजन देना पड़ेगा, तभी हम लोग मानने वाले हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, विनोद बाबू का एक नारा था, पढ़ो, हम पढ़ लिए हैं, अब लड़ने के लिए भी तैयार है। सही शक्तिनाथ महतो ने कहा था एक पीढ़ी गोली खाएगी एक पीढ़ी राज करेगी, हमारी एक पीढ़ी गोली खा चुकी है, अब हम लोग राज करेंगे। हम लोग जैसे झारखंड लड़ के लिए हैं, झारखंड राज्य अलग राज्य लड़ के लिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग नियोजन लड़ के लेंगे। कल हम लोग मार खा चुके हैं, अगर जान भी देना पड़े तो हम लोग नियोजन लड़ के लेने का काम करेंगे। हेमंत पूरी तरह से बाहरी तत्व के लोगों के कारण उनकी दिशाहीन हो चुकी है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। यहाँ के लोगों के लिए उसका अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा भी उसका अंदर यहाँ के प्रति उनके झुकाव नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए जो उनको खड़ा करने का काम किया, संवारने का काम किया, सजाने का काम किया, यहाँ के लोगों के लिए वो दिशाहीन कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। साफ 24 में इस सरकार को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ठोका जा रहा है, लूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, किसी प्रकार से हम लोगों ने भी चोट देने का सरकार को काम करेंगे। चलिए आप सुन रहे हैं, ये है कोयलांचल और झारखंड है, उबाल लेता हुआ अपना झारखंड है। आखिर क्या 24 में क्या होगा, झारखंड का भविष्य क्या होगा, अपने ही घर में बेघर क्यों है झारखंड। अन्य राज्यों से लगातार झारखंड अपनी तुलना कर रहा है, लेकिन 23वें वर्ष में जब से झारखंड प्रवेश किया गया है आप देख रहे हैं तस्वीरें बदल रही है और क्या क्या होगा। लगातार महादुकान में सभी तक हिस्सा लें।